वंदे मातरम्। ॐ नमो भगवते श्री अरविन्दाय। ॐ नमो भगवते श्री अरविन्दाय। ॐ नमो भगवते श्री अरविन्दाय। नमामि श्रीमात्र मीरा अरविंदो। सावित्री अध्ययन कार्यक्रम रे अंशग्रहण करथिबा सम्मान स्वद समस्त भाई उपा सावित्री महाकाव्य द्वितीय पर्व द बुक ऑफ द ट्रैवलर ऑफ द वर्ल्ड्स चतुर्थ सर्ग द किंगडम्स ऑफ द लिटिल लाइफ क्षुद्र प्राणशक्तिर साम्राज्य व राज्य। आमे अध्यायर जो अंशर गत थर छाड़ी ताला से जो क्षुद्र प्राणर राज्य से जगह अस्फुति पहुँची देखुंती ये ही जीवन प्रथम स्पूरण होइची। हियर वाज इट्स अर्ली ब्रीफ अटेम्प्ट टू बी प्राणशक्ति निजको प्रकाशित करिबा पई तार ब्रीफ अटेम्प्ट अति क्षणस्थायी स्वल्पस्थायी एक प्रयास जारी रखी। आनंद जक मुहूर्त भीतर अंत हो जाउछि एवं विगत स्मृति सब भूत भली पछे गुड़े चलछि। ए सब कथा प्रभु कहउछन्ति किंतु तार जस्टिफिकेशन दी कहउछन्ति। आज हमें सेठ आरंभ करिबा पेज 140 लाइन 12 रो अल्दो ऑन अर्थ आर फार्म अल्दो ऑन अर्थ आर फार्म एस्टैब्लिश्ड लाइव्स ए वर्किंग ऑफ हैबिट और ए सेंस ऑफ लॉ ए स्टडी रिपीटेशन इन द फ्लॉक्स येट आर इट्स रूट ऑफ विल एवर द सेम दिस पेशेंस आर द स्टॉप ऑफ विच वी आर मेड। तुलनात्मक भाव टी कहगला जे आम देखा आम जो पृथ्वी रोचु जो जगत बसस्थान बसवास करुचु ये दृढ़ प्रतिष्ठित भाव जीवन धारा रही केमिति परिचालित होउछि ए वर्किंग ऑफ हैबिट और ए सेंस ऑफ लॉ एक अभ्यास एठारे कार्य करुछि अभ्यासगत कर्म प्रवाह आम जहाँ स्टेरियोटाइप बोल सबकि अभ्यास बसत अभ्यास पड़ जा बचा आम बचीछ एकदम गतानुगतिक जीवन सका उठ नित्य कर्म सार कर्मसंस्थान कर्मसंस्था जाओ रात फेर एपरिक पशुपक्षी जीवन मध्य अभ्यासगत जीवन पर्टिकुलरली आम से लाइफ को देखिए ना सका निज निजर जो बासस्थान बोल आम कहूर जो रहणी स्थान विश्राम स्थान से बाहरी कर खाद्य अन्वेषण पुणि थे सन्धार फेरी आसचंती। सो लाइफ हियर इज बेस्ड ऑन हैबिट्स स्थूल अभ्यास ही जीवन को परिचालित करुछी और ए सेंस ऑफ लॉ
टिके उच्चतर गले गोटे सेन्स अफ ल मनुष्य जीवन को यदि आम देखा एक कानून अच्छी एक विधान रही प्रति एक सचेतन भाव रही जीवन को परिचालित करुछि। क्षुद्र प्राण राज्य सेमती नहीं कहते जदि यह टी उन्नततर अवस्था ये पृथ्वी एठार जीवनटा दृढ़ भाव प्रतिष्ठित हो रही जीवनधारा दृढ़ भाव प्रतिष्ठित हो रही जहाँ अभ्यास द्वारा परिचालित बा एक विधान बा कानून र सचेतन धारा द्वारा परिचालित स्टडी रिपीटेशन इन द फ्लक्स फ्लक्स माने एवर चेंजिंग नित्य परिवर्तनशील जोटा हो द्रुत भाव एवं जीवन से पौनपौनिकता भितर रिपीटेशन बारंबार ता तार पुनरावृत्ति घटी चली स्टीडी अटल दृढ़ माने पुनरावृत्ति हेब ही हेब जमी शंकराचार्य कहले जीवनधाराटा केमी हो पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम जन्म हेल मरीगल पुणी थे मातृगर्भ को आसल पुणी जन्म हेल पुणी मरीगल एंड इट इज स्टीडी दृढ़ रही स्थायी भाव रही अपरिवर्तित हो रही तार पुनरावृत्ति घट चली जीवन रापर कहली येट आर इट्स रूट्स ऑफ विल एवर द सेम तथापि तार संकल्पर जो मूल रही मूल सब रही जदियो परिवर्तन होची जदियो अभ्यास एवं कानून रो बोध परिचालित करुची जदियो पुनरावृत्ति होची तथापि तार जो मूल सकल रही ताहा से समान रही समान रही अर्थ एठा आम देखा दिव्यता को प्रकाश करिवार से जो मूल कि प्राण राज्य को देखा प्राणर जो संकल्प ताहा अपरिवर्तित रही समान रही एंड दीज पेशेंस आर द स्टॉप ऑफ व्हिच वी आर मेड यही सब जो प्रवेग दीज पेशेंस हो उठिवार विकसित हेवार प्राणी का जो प्रवेग जहाँ हम जीवन को परिचालित करुच्छी यह है से सब उपादान जो सब उपादान को नहीं आम मैंने गढ़ाई आवेग प्रवेग डिजायर्स ये सब ठीक कथा नुह बोली आम विचार करूँ ता भी ठीक किंतु ये सबूर आवश्यकता अच्छी परवर्ती समय कहते प्रभु ये सबूर आवश्यकता अच्छी यह ही आमको जी रहिबार मर्यादा दौची बा जी रहिबापाई एक उत्साह दौची यह ही आमर संकल्प को दृढ़ करुची आमको प्रेरित करुची आमको किछि होई उठिबापाई तेणु यही आवेगरे यही पेशन र जो पेशेंस रही आवेग सकल रही हूँ मूल उपादान जहाँ को नहीं आम मैंने समस्ते गढ़ाई छु। दिस वाज द फर्स्ट क्राय ऑफ द अवेकिंग वर्ल्ड अवेकिंग वर्ल्ड यही जगत टी वर्तमान पर्यंत संपूर्ण भाव में जाग्रत होना जागरण मुखी अवेकिंग उठुचे जमी आम डेवलपिंग एंड डेवलप्ड स्टेट बोली कहू डेवलपिंग विकासमुखी ठीक सेमती एवेकिंग होची जागीबा को चाहिथुबा जागरणमुखी जागृतिगामी बोली मनोज दास कहले एवेकिंग को जागृतिगामी यही जगत हूँ एक जागृतिगामी जी क्रमशः सचेतन होगा लगी संपूर्ण भाव जाग्रत होना तार से दिव्य लक्ष्य प्रति परम लक्ष्य प्रति किंतु धीरे धीरे ता भीतर एक जागृति घटी घटी चली
ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଆବେଗର ଆରାବ ଯେଉଁଟା ରହିଛି କଣ୍ଠଧ୍ୱନି କ୍ରାଏ ମାନେ କ୍ରନ୍ଦନ ଆମେ କହିବା ନାହିଁ, ତାର ଯେଉଁ କଣ୍ଠ ରହିଛି, ତାର ଯେଉଁ ସ୍ୱର ରହିଛି, ତାର ଯେଉଁ ଆରାବ ରହିଛି, ଏହା ହେଉଛି ଏଇ ଜାଗୃତି ଧର୍ମୀ ପୃଥିବୀର ଜଗତର ପ୍ରଥମ ଆରାବ ବା ପ୍ରଥମ ପରିପ୍ରକାଶ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା କଥା ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ଏହି ସ୍ତରରେ ଏହି ସ୍ଥିତିରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଇଟ୍ କ୍ଲିଙ୍ଗସ୍ ଆରାଉଣ୍ଡ ଅସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲମ୍ପସ୍ ଦି ଗଡ୍। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଧାଡ଼ି ଆମେ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ିରେ ଗୋଟିଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ହେଇଯାଉଛି, ତାକୁ ଏକ ମୀମାଂସାମୂଳକ ଏକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବୋଲି ଆମେ ବିଚାର କରିପାରିବା। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କ'ଣ, ପ୍ରଥମେ ଆମେ କହିଲା ଦିସ୍ ୱାଜ୍ ଦି ଫାଷ୍ଟ କ୍ରାଏ ଅଫ୍ ଦି ଏୱେକିଂ ୱାର୍ଲ୍ଡ, ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରାଣର ରାଜ୍ୟ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଆବେଗ ସକଳ, ଏହା ହେଉଛି ଜାଗୃତି ଧର୍ମୀ ଏକ ଜଗତର ପ୍ରଥମ ଆରାବ, ପ୍ରଥମ କଣ୍ଠସ୍ୱର। ଏବଂ ଏହି ଜଗତ କ'ଣ କରିଛି, ଇଟ୍ କ୍ଲିନ୍ସ ଆରାଉଣ୍ଡ ଅସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଜୀବନକୁ ଦେଖିବା, ସେହି ପ୍ରାଣିକ ଚେତନା, କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରାଣର ଚେତନା ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଆମକୁ ସତେ ଯେମିତି ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଛି, କ୍ଲିନ୍ସ ଇଟ୍ କ୍ଲିନ୍ସ ଆରାଉଣ୍ଡ ଅସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍, ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଆମକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଛି, ହସ କାନ୍ଦ, ହର୍ଷ ବିଷାଦ, ଘୃଣା ଈର୍ଷା, ପ୍ରାଣୀକ ଯେତେ ଆବେଗ ଅଛି ସେଇ ସବୁ ଆବେଗ ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରକୃତରେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଜିଇଁ ରହିଛି ଏବଂ ତାହା ହିଁ ଆମ ଜୀବନକୁ ପରିଚାଳିତ କରୁଛି। ରିଆକ୍ସନ୍ ଟୁ ଏଭ୍ରି ଇମୋସନ୍, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାବେଗ ପ୍ରତି ଆମର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିଛି। କିଏ ଟିକେ ଦୁଇ ପଦ ପ୍ରଶଂସା କରି କହିଦେଲା, ଗର୍ବରେ ଫୁଲି ଉଠୁଛି, ଖୁସି ଲାଗୁଛି, କିଏ ଦୁଇ ପଦ ଗାଳି କରିଦେଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁହଁ ଶୁଖିଯାଉଛି, କିଏ ଟିକେ ନିଜଠୁ ଆଗକୁ ଚାଲିଗଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଈର୍ଷା ଆସିଯାଉଛି। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବି ଆବେଗ ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରକୃତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷିତ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିପାରିନାହୁଁ, ସବୁଯାକ ଭରପୁର ହେଇକରି ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମା ବହିର କଥାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ମା ବହିରେ ଯେଉଁ ଲେଖିଲେ ପ୍ରଭୁ, ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତି ସକ୍ରିୟ ଅଛି ସେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆମେ ଦେଖିବେ ସବୁ ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତି ଆମ ଭିତରେ ଅଛି ଏବଂ ସବୁଯାକ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତେଣୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଭାବରେ ଆମକୁ ଅବିପ୍ସା ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ସମର୍ପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ତ୍ରିବିଧ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କଥା ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଏହି ପ୍ରଚେଷ୍ଟାକୁ ଆମ ଭିତରେ ବରାବର ଜାରି ରଖିବାକୁ ହେବ, ଜିଇଁ ରଖିବାକୁ ହେବ। ତ ଇଟ୍ କ୍ଲିନ୍ସ ଆରାଉଣ୍ଡ ଅସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍, ଏହା ତଥାପି ଆମକୁ ଚତୁର୍ଦିଗରୁ ଘେରି ରଖିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାର ବାଡ଼କୁ ଡେଇଁ ଯାଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିନାହୁଁ। କେବଳ ଏଇ ଆବେଗ ସକଳ ଯେ ଆମକୁ ଚତୁର୍ଦିଗରୁ ଘେରି ରଖିଛି ତାହା ନୁହଁ, ଏହା ଆଉ ଗୋଟିଏ କାମ କରିଛି, ତାହା ହେଲା ଆଣ୍ଡ କ୍ଲମ୍ପସ୍ ଦି ଗଡ୍। ଏବଂ ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଦେବସତ୍ତାଟି ଅଛନ୍ତି ଗଡ୍, ଛୋଟ ଜି ସାନ ହରପ୍ର ଜି, ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଦେବସତ୍ତାଟି ଅଛନ୍ତି ସେହି ଦେବସତ୍ତାକୁ ସତେ ଯେମିତି କ୍ଲାମ୍ପ କ୍ଲାମ୍ପ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣୁ, କ୍ଲାମ୍ପ ଗୁଡ଼ାକ କୌଣସି ଗୋଟେ ବସ୍ତୁକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଧରି ରଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ କ୍ଲାମ୍ପ ଦେଇଦେଉ। ତ ଆମ ଭିତରର ସେ ଦେବତା ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରକଟିତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ ବନ୍ଧନରେ ତଥାପି ବାନ୍ଧି ରଖିଛି, କ୍ଲେମ୍ ଦେଇକି ରଖିଛି, ଯେମିତି ଖସି ନଯିବେ, ଯେମିତି ବାହାରି ନଯିବେ,
Even when reason is born and soul takes form in beast and reptile and in thinking man, it lasts and is the fount of all their life. ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରାଣର ଚେତନା, ଆମେ ଯେହେତୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରାଣ ରାଜ୍ୟ କହୁଛୁ, ଲିଟିଲ୍ ଲାଇଫ୍, ଏଇ ଲିଟିଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଇଏ କ'ଣ କରିଛି? ଇଭିନ୍ ହ୍ୱେନ୍ ରିଜନ୍ ଇଜ୍ ବର୍ନ, ଏପରିକି ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ରିଜନ୍ ହେତୁବୋଧ ବିଚାର ବୁଦ୍ଧି ଜନ୍ମ ନେଇଛି, ବିଚାର ବୁଦ୍ଧି ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ମଣିଷ ଭିତରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛି, ଏବଂ ଆମେ ଆମର ଜୀବନକୁ ଦେଖିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବନର ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଅଛୁ, ହାରାହାରି ମଣିଷ, ଏଭାରେଜ୍ ମ୍ୟାନ୍, ଇଭିନ୍ ହ୍ୱେନ୍ ରିଜନ୍ ଇଜ୍ ବର୍ନ ଆଣ୍ଡ ସୋଲ୍ ଟେକ୍ସ ଫର୍ମ, ଏବଂ ଆତ୍ମା ସ୍ୱରୂପ ନେବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଇନ୍ ବିଷ୍ଟ ପଶୁ ଭିତରେ ପ୍ରକଟିତ ହେଲେ, ରେପ୍ଟାଇଲ୍ ସରୀସୃପ ଭିତରେ ପ୍ରକଟିତ ହେଲେ, ଆଣ୍ଡ ଇନ୍ ଥିଙ୍କିଂ ମ୍ୟାନ୍, ଏବଂ ଚିନ୍ତାକ୍ଷମ ମଣିଷ ଭିତରେ ପ୍ରକଟିତ ହେଲେ। ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ପଶୁ ସରୀସୃପ ଏବଂ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ମଣିଷ ଭିତରେ, ଚିନ୍ତାକ୍ଷମ ମଣିଷ ଭିତରେ ପ୍ରକଟିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ହେତୁବୋଧର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇସାରିଛି, ପଶୁ ଏବଂ ରେପ୍ଟାଇଲକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଥିଙ୍କିଂ ମ୍ୟାନ୍ ଯାହା ପାଖରେ ରିଜନ୍ ଆସିଯାଇଛି, ହେତୁବୋଧ ଆସିଯାଇଛି, ବିଚାର ବୁଦ୍ଧି ଆସିଯାଇଛି, ସିଏ ତ ଏଇ କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରାଣର ଯେଉଁ ରହିଛି ତାଡ଼ନା, ତାଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଇଭିନ୍ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଇଭିନ୍ ହ୍ୱେନ୍ ରିଜନ୍ ଇଜ୍ ବର୍ନ ଆଣ୍ଡ ସୋଲ୍ ଟେକ୍ସ ଫର୍ମ ଇନ୍ ବିଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ରେପ୍ଟାଇଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଇନ୍ ଥିଙ୍କିଂ ମ୍ୟାନ୍, ଇଟ୍ ଲାଷ୍ଟ, ଇଟ୍ ମାନେ ସେ ପ୍ରାଣୀ କାବେଗ, ସେଇ ପେସେନ୍ସ, ଇଟ୍ ଲାଷ୍ଟ, ତଥାପି ତାହା ତିଷ୍ଠି ରହିଛି। ଏବଂ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜେ ନିଜକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ଦେଖିବା ଯେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦେୟାର, ଆମ ଜୀବନ ଅଧିକାଂଶ ଭାବରେ ବା ବହୁଳ ଭାବରେ ପ୍ରାଣିକ ଆବେଗ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି, ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରୁନାହୁଁ, ଇଟ୍ ଲାଷ୍ଟ, ଏହା ତଥାପି ରହିଛି, ଆମ ପାଖରେ ରିଜନ୍ ରହିଛି, ହେତୁବୋଧ ରହିଛି, ବିଚାର ବୁଦ୍ଧି ରହିଛି, ତଥାପି ଏହା ରହିଛି। ଏବଂ କେମିତି ରହିଛି? ଆଣ୍ଡ ଇଜ୍ ଦ ଫାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଦେୟାର ଲାଇଫ, ଅଲ୍ ଦେୟାର ମାନେ ଜାଗାରେ ତିନୋଟି କଥା ଯେହେତୁ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ସକଳ ଜୀବ ବୋଲି କହିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଭାବରେ ବିଷ୍ଟ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ରେପ୍ଟାଇଲ୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଥିଙ୍କିଂ ମ୍ୟାନ୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ନାଇଁ ତ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନର ତାହା ହେଉଛି ମୂଳ ଉତ୍ସ, ସେଇ ପ୍ରାଣୀ କାବିକ, ସେଇ ନିମ୍ନ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଚେତନା, ତାହା ହେଉଛି ଜୀବନର ମୂଳ ଉତ୍ସ। ମଣିଷକୁ ଥିଙ୍କିଂ ମ୍ୟାନ୍, ମା ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଯେ ମ୍ୟାନ୍ ଇଜ୍ ଏନ୍ ଆନିମଲ୍, ଏ ଥିଙ୍କିଂ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପିକିଂ ଆନିମଲ୍, ୟେଟ୍ ଆନ୍ ଆନିମଲ୍। ମଣିଷ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାକ୍ଷମ ଏବଂ ବାକ୍ଷମ ମଣିଷ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଗୋଟିଏ ପଶୁ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଏକ ପଶୁ ବୋଲି କହିଲେ। ମଣିଷ ଭିତରୁ ପଶୁ ସୁଲଭତା ଅଦ୍ୟାବଧି ଯାଇନାହିଁ, ତେଣୁ ସେଇଟା ହେଉଛି ଜୀବନର ଉତ୍ସ। କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ପ୍ରଭୁ ରିଜେକ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି, ହତାଦର କରୁନାହାନ୍ତି, ଘୃଣା କରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଦିସ୍ ଟୁ ୱାଜ୍ ନିଡେଡ୍, ଏହାର ବି ଏକ ପ୍ରୟୋଜନ ଥିଲା, ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା, ଦ୍ୟାଟ୍ ବ୍ରେଥ୍ ଆଣ୍ଡ ଲିଭିଂ ମାଇଟ୍ ବି। କାହିଁକି ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା? ଯଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଜୀବା ସମ୍ଭବ ହେବ,
मनीष प्रकृत रे केवल खाद्य वस्त्र एवं बास को नहीं बंचुना ये आवेग को नहीं मध्य बंचुच ना जीवन ताको शुष्क लगता निरस लगता रसशून्य हो जाता आवेग अच्छी माने जीवन रे गोटे प्रकार प्रवाहमानता रही फ्लो रही तेणु यार मध्य आवश्यकता थिला अनावश्यक भाव में प्रकृति में किसी भी इठारे घटे ना हेले वर्तमान समय आसी मुक्त होगापी संकल्प टीए करवा इठारु मुक्त होगापी उद्यम टीए आरंभ करवा मनीष भितर से उद्यम थिले भी ये माने ताकु जाबुड़ी धरी नहीं आम गोटे सुंदर लघु कथा ए प्रसंगे देपारे केमी सब गुड़ाक आम को वर्तमान आम जो मैंने महाशिविंदु को ग्रहण कले अनेक जो अध्यात्म चिंतावादी मनीष मैंने अच्छा विभिन्न गोष्ठी विभिन्न संप्रदायर समस्त भितर ये गोटे धारणा है ये जीवन गोटे असार मुख्य मुक्तिकामी मनीष मान कथ अलग आम महाशिविंदु को जाना लोक जीवन रूपातर हो पारे ये गोटे भावना आसीगला किंतु आम सियाड़ को जो मात्रारे प्रपोर्शनेटली आम जापना कारण एम को जाबुड़ी धरी लघु कथाटी है गोटे दिन गुरु एवं शिष्य स्नान करने नदी को जाती शिष्य स्नान सारी फेरला बेले देखुंजे गोटे कला कंबल भासी जाऊँ आग को शीत यहाँ वर्षा मसर कथा आग को शीत अच्छी शीतरे कंबल आवश्यकता पड़ो यही भाभी शिष्यटी पुणी थे नदी भितर को लंप प्रदान कले जाकर से कंबल टी टाणी आने चेष्टा कले आ प्रयास करुंट नदी मधे रोचे डूबी जाते उठुं गुरु नदीकूल ढड़ा ही देखुं दृश्य एवं बड़ पाटी कहले आरे से कंबलटा को कहीं छाड़ दौनु जदि ते आसबारे असुविधा हो कंबल टी छाड़ दे शीघ्र पलया शिष्य मझी नई थी कह गुरु मु तो कंबल को छाड़देली हेले कंबल टी मत छाड़ूना अर्थात जहाँ को कंबल बोली लोभरे से जाता कंबल ना ता गोटे भालू बनियारे भासी आसुची जिते बड़े ये जगह धरी से भालू तार जीवन सुरक्षा यहाँ जाबुड़ी धरी आ भालू छाड़ू ना ये भालू को छाड़ कंबल को छाड़देली मैंने जो जाणीगला कंबल नुह से कम भालू को छाड़ी कि भालू बर्तमान धरी ठीक से भाई आम मान जीवन बर्तमान यही अवस्था अच्छी आम मैंने जान ले निम्न प्राणी का आवेग यह आम को आग को नहीं जापर ना यह तत्क्षणात वर्जनीय किंतु सब कथा आम संकल्प पर हो जेहेतु तथापि आम भितर से प्राणशक्ति से निम्न प्राणशक्ति तिष्ठि रही आम को जाबुड़ी धरी चतुर्दिगरे से आम को छाड़ूना तेणु आम जीवापी चाहिए भी आमे जापना अटकी जाइु एथपाई दरकार एक दृढ़ संकल्प एक निरंतर प्रार्थना जहाँ आम को आग को नहीं जापर से ही समय रे आमे आसी पहुंची सारे तेणु प्रभु कहले गोटे समय रे सब आवश्यकता थिला टिके पेज उल्टी गला दिस टू वाज नीडेड दैट ब्रेथ एंड लिविंग माइट बी जी पारिबा बोली यार आवश्यकता थिला The spirit in a finite, ignorant world must rescue so its prisoned consciousness, forced out in little jets at quivering points from the inconscient's sealed infinitude. किंतु यह सबुदिन एभली रहिबा उचित नुह कौन है बादी स्पिरिट
इनफिनिट इग्नोरेंट वर्ल्ड यही जगत को कहा जाता है इग्नोरेंट वर्ल्ड एक अज्ञ जगत अज्ञान पृथ्वी जो ज्ञान नहीं बढ़ी उठवा कथा ता वर्तमान पर्यंत पृथ्वी हासिल करी नहीं स्थूल विकास चिन्ह स्वरूप वैज्ञानिक अनुसंधान मान चली वैज्ञानिक उपलब्धि गवेषणा चली उपलब्धि होउछि किंतु जीवन रो असल लक्ष्य चंद्रजान रे चंद्रपृष्ठ रे पहुंची थिबा मनीष गतकाली खबर कागज रे पढ़ुथिले जे चीन रो किछि महाकाश जारी जाई करी चंद्रपृष्ठ रे अछंती किछि मास से माने रही चंती दीर्घ समय पर्यंत रही चंती एवं सेठरे किछि चास करिवा पई बिलाती बामे ताको टमाटो कहुचु टमाटो काकुड़ी आदि आदि किछि चास करिवा रे से माने सक्षम होई चंती एवं ताकू खाई करी सेठरे जी छंती बेस किछि दिन एवं से माने कहउचंती जे नै चंद्रपृष्ठ रे स्पेस रे महाकाश रे चास करा जाई परिवो महाकाश रे चास करिबा महाकाश रे बास करिबा ए सब ज्ञान कौशल मनुष्य धीरे धीरे हासिल करुची यहार मध्य आवश्यकता अछि या ताकू आहुरी अधिक ज्ञान अर्जन कर पाए प्रोत्साहित करुची किंतु से महाचेतना रे बास करिबा महाचेतना को धारण करिबा ए ज्ञान वर्तमान पर्यंत प्राप्त करिबा पाए मनुष्य भितर से ही अस्पृहा दृढ़ प्रतिष्ठित होई नहीं जो अस्पृहा बल रे अनेक स्थूल भौतिक सुखकर उपादान एवं जंत्र सब मनुष्य आविष्कार एवं उद्भावन करिछि तेणु मनुष्य भितर से ही एक दिव्य अभिप्सार स्फुलिंगर स्फुरण जेतेबेले घटिब सेतेबेले ए रूपांतर कार्य त्वरान्वित हेबो देखले दिस स्पिरिट एटा गोटे इग्नोरेंट वर्ल्ड एटा हूँ गोटे अज्ञान जगत अज्ञान पृथ्वी यथार्थ ज्ञान जो ज्ञान रो आवश्यकता रही से ज्ञान वर्तमान पर्यंत पृथ्वी पृष्ठ रे विकसित होई नाही से दिगरे वर्तमान पर्यंत एक दृढ़ संकल्पबद्ध उद्यम आरंभ होई नाही केवल एक माने अर्ली एफर्ट जदि आम भारत रे किछि करूछु बा जदि सेमिति किछि अध्यात्मवादी मनुष चिंता करूछि ताहा को आमे कहिबे एक अर्ली एंड एफिबल एक क्षीण उद्यम एक आद्य एवं क्षीण उद्यम करूछंती मनुष करूछि जदि भी से अध्यात्म नारे धर्म नारे भगवान का सहित ईश्वर का सहित जोड़ी हुई छी ताहा मध्य तार स्वार्थ सिद्धि सकाशे जहाँटा को जाबुड़ी धरी छी ताहा आउ टिके बलवत्तर हो बोली करी से भगवान को जाबुड़ी धरी छी बा भगवान को स्मरण करू छी एटा होछि विडंबना दिस इज इग्नोरेंस एवं ए इग्नोरेंट वर्ल्ड शब्दटि समग्र सावित्री महाकाव्य रे विभिन्न समय विभिन्न पर्याय रे केते बेले गोठे आमे यहा को मध्य कैप्शन करी आलोचना करी परिवा 12 थर श्रीरबिंद व्यवहार करी छंती एई जगत को जानिबा पई चिन्हिबा पई श्रीरबिंद कहउछंती यहा होछि वर्तमान जो स्तर रे जगत अछि एई पृथ्वी अछि यहा होछि गुटे इग्नोरेंट वर्ल्ड द स्पिरिट इन ए फिनिट इग्नोरेंट वर्ल्ड एवं यार आउ गोटे विश्रण दिले श्रीरबिंद फिनिट यह हूँ एक सीमित यहाँ डेस्क्राइब कर दि जा पार वर्णना कर दि जा पार यार गोटे सीमारेखा टाणी दि जा पार यह हूँ ससीम ससीम असीम आड़ को बढ़ी उठवा उद्यम वर्तमान भी आरंभ होना केवल स्वप्न अच्छी केवल किसी भावना भितर यह सीमित हो रही जे ससीम असीम अभिमुखी बढ़ी चलो
बढ़ी उठिब किंतु वर्तमान पर्यंत ताहा रूपग्रहण सकाशे कौनसी प्रयास आरंभ करी पारी नहीं। तेणु जगत को दुई प्रकार रही पृथ्वी को दुईट विशेषण द्वारा प्रभु चिन्हित कले फिनिट इग्नोरेंट वर्ल्ड किंतु संभावना कण द स्पिरिट देयर इज द स्पिरिट इन दिस फिनिट एंड इग्नोरेंट वर्ल्ड दैट इज द ग्रेट होप दैट इज द रियल होप। प्रभु भाषा यदि आम लिखते आर को कैपिटल कर दिखते होप को कैपिटल एच कैपिटल कर दिखते रियल होप द रियल होप से दिव्य आशा कौन नहीं फिनिट एंड इग्नोरेंट वर्ल्ड भितर स्पिरिट रही चैतन्य रही चैतन्य सत्ता टे रही द स्पिरिट इन ए फिनिट इग्नोरेंट वर्ल्ड मस्ट रेस्क्यू सो इट्स प्रेजेंट कॉन्शियसनेस। ये जो फिनिट इग्नोरेंट वर्ल्ड भितर कॉन्शियसनेस चेतना टे जो कारारुद्ध होकर रही प्रेजेंट होकर रही सही चेतना को किए मुक्त करिवे द स्पिरिट सही चैतन्य सत्ता जी रही ससीम सीमित अज्ञान पृथ्वी रे सही चैतन्य सत्ता ही कारारुद्ध हो रही चेतना को मस्ट रेस्क्यू निश्चित भाव मुकुलाई आणवे निश्चित भाव उद्धार करिवे रेस्क्यू माने उद्धार करिवा मुकुलेवा निश्चित भाव से मुकुले आणवे फोर्स्ड आउट इन लिटिल जेट्स एट क्विवरिंग पॉइंट्स केमिति नहीं एट क्विवरिंग पॉइंट्स गोटे समय रे जेते बले एक दृढ़ कंपन आरंभ हो जब उद्वेलन आरंभ हो जब सेते बले तड़ित बेगरे फोर्स्ड आउट इन लिटिल जेट्स आम था देखे जेट बोली गोटे थाए तार गोटे छोट छिद्र थाए से बाटर एकदम द्रुत गति रे चेतना को केते बेले गोटे मुकुले आणिबे फोर्स्ड आउट निश्चित भाव से भितर निस्सृत करिबे बहिष्कृत करिबे फ्रॉम द इनकन्सियंट सील्ड इनफिनिट्यूड कौटू मुक्त करिबे इनकन्सियंट्स निश्चेतनर जो सील्ड पूरा जौ मुदा दे हिकरी जो रही इनफिनिट्यूड इनफिनिट्यूड बा असीमता तसी जौ मुदा दिया जाइथिबा असीमतारु चैतन्य पुरुष निश्चित भावरे सही कारारुद्ध चेतन सत्ता को गोटे कंपित मुहूर्त रे क्षुद्र छिद्र दे तड़ित बेगरे मुकुलाई आणिबे बा उद्धार करी आणिबे इटा हला द रियल होप एक वास्तव आशा जहाँ निश्चित भाव रे हेबो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द स्पिरिट चैतन्य सत्तांकर उपस्थिति यह निश्चित भाव रे ए कार्यटी को संभव कराई देव। देन स्लोली इट गैदर्स मास छेते बेले बता परे कौन है वा धीरे 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 ताहा पिंड धारण करिबो मास लुक्स अप एट लाइट एवं ऊर्ध्व को आलोक अभिमुखे दृष्टिपात करिबो अर्थात एक स्वरूप ग्रहण करिबो एवं आलोकन्मुखी दृष्टि उन्मीलित हेब दिस इज द रियल होप दिस नेचर लिव्स टाइट टू हर ओरिजिन ए क्लॉज ऑफ नेदर फोर्स इज ऑन हर स्टील आउट ऑफ अनकॉन्शियस डेप्थ्स हर इंस्टिंक्ट्स लीव
ए नाइवर इज हर लाइफ टू इनसेंटिएंट नॉट अंडर दिस लॉ एंड इग्नोरेंट वर्ल्ड वाज मेड। पुणि थरे ए पृथ्वीर से सीमितता अज्ञान कथा प्रभु कहिले कण दिस नेचर लिप्स टाइड टू हर ओरिजिन तार से जो उत्स रही तार मूल उत्स सहित बांधी होकरी यही प्रकृति तिष्ठि रही बंची रही एवं से मूल प्रकृति है स्थूल प्रकृति जोड़ा जड़ है जड़ पर से क्षुद्र प्राण राज्य ता सहित बांधी होकरी वर्तमान पर्यंत अच्छी ए क्लॉज ऑफ नेदर फोर्स इज ऑन हर स्टिल ए प्रकृति उपरे स्थूल पृथ्वी उपरे वर्तमान पर्यंत नेदर फोर्स नेदर होचे पाताल अतल गोबर ताको आमे नरक बोली भी जदि कहिबा तो एक अधस्तन शक्ति एक निम्न शक्ति नेदर पाताल एक शक्ति तथापि मध्य यहाँ को बांधी रखी ए क्लज पकड़ तार अच्छी जोर रे जाबड़ी धरी ए क्लज ऑफ नेदर फोर्स इज ऑन हर स्टील आउट ऑफ अनकॉन्शियस डेप्थ्स हर इंस्टिंक्ट्स लीप एवं ए पार्थिव जीवन जहाँ सब इंस्टिंक्ट्स रही प्रवृत्ति सकल रही से प्रवृत्ति सकल कौठ उत्सरित हो आसुची ना आउट ऑफ अनकॉन्शियस डेप्थ्स अचेतनर गभीरता भितर तार प्रवृत्ति सकल लंफ प्रदान करी आसी ए नाइवर इज हर लाइफ टू एनसेंटिएंट नॉट एवं तार जीवन होची कौन एक पड़ोसी सदृश कहार पड़ोसी ए नाइवर इज हर लाइफ टू इनसेंटिएंट नॉट इनसेंटिएंट निश्चेतन नॉट ताको कैपिटल एन करिसंती महानस्ति अनस्ति एक निश्चेतन अनस्तिर प्रतिवेशी भावरे पड़ोसी भावरे तार जीवन एठारे तिष्ठि रहिछि। पुणि थरे प्रभु से कथा रिपीट कहिले मु आपण मन कहिछि 12 थर अछि एई गुटिए अध्याय आमे दुई थर पाइले कण अंडर दिस लॉ एन इग्नोरेंट वर्ल्ड वाज मेड। ये जो इग्नोरेंट वर्ल्ड अज्ञान जो पृथ्वी ए अज्ञान पृथ्वी यही नियम बल रे निर्मित होइथिला अंडर दिस लॉ एंड इग्नोरेंट वर्ल्ड वाज मेड निश्चेतना सहित सत जेमिति संधि माध्यम रे जगतर सृष्टि होइछि आवेग द्वारा परिचालित हेबा पई सत जेमिति ए इग्नोरेंट वर्ल्ड अज्ञान जगतटी अज्ञान पृथ्वीटी चुक्तिबद्ध होइछि बा तार नियम कानून द्वारा परिचालित हेबो सिथि पई या सृष्टि होइछि अंडर दिस लॉ एंड इग्नोरेंट वर्ल्ड वाज मेड। एवं ए जो दिस इग्नोरेंट वर्ल्ड कहउछन्ती एक्चुअली ए जो इग्नोरेंट वर्ल्ड को हमें वर्ल्ड ऑफ लिटिल लाइफ कथा कहि परिबा वर्ल्ड ऑफ लिटिल लाइफ क्षुद्र प्राण राज्यर बा क्षुद्र प्राणर जगत ए क्षुद्र प्राणर जगत एहा एई कानून द्वारा ही बंची रहिछि अनकॉन्शियसनेस निश्चेतना पेशेंस आवेग सकल ए सबु तार जीवन को परिचालित करुछंती। आज आम आलोचना को ये रखा 140 पृष्ठा 32 नंबर लाइन आसंता काली पुणी आम आगे आलोचना करिबा।